अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर सर टीपू सुल्तान। आज हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है रिगार्डिंग स्टैटिक राउटिंग। तो स्टैटिक राउटिंग में बेसिकली हमने मैन्युअली खुद आईपी एड्रेस जो है वो जनरेट करने होते हैं। तो सिस्को पैकेट ट्रैकर है ये हमारी, हम अपनी लैब स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ये है कि स्टूडेंट्स जो स्टैटिक राउटिंग है उसमें हमने सबसे पहले दो राउटर ले लेने हैं। तो 2621 मैं दो राउटर ले रहा हूँ और इसमें जो है स्टूडेंट्स दो हम स्विच ले लेते हैं। ये 2960 के हमने दो स्विच ले लिए, ये लें स्टूडेंट्स, ये 2960 के दो स्विच ले लिए और दो हमने पीसी अटैच कर लिए इसके साथ स्टैटिक राउटिंग के लिए, जिसमें हमने मैन्युअली खुद आईपी जनरेट करने हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब हम केबल्स लगाएंगे इसकी। तो कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल है हमारे पास जो हमने पीसी से अटैच करनी है स्विच के साथ, कोई भी किसी भी पोर्ट के साथ आप लगा सकते हैं इसमें। और इसी तरह ये वाला पीसी है ये हमने अटैच कर दिया इसके साथ किसी भी पोर्ट के साथ। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है जो स्विच है, आप किसी भी पोर्ट की राउटर की 0/0 के साथ अटैच कर दें। इसी तरह हम यहाँ से स्विच जो है वो राउटर की 0/0 की पोर्ट के साथ अटैच कर रहे हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने ना दोनों राउटर को सीरियल केबल के थ्रू कनेक्ट करना है। तो सीरियल केबल के थ्रू कनेक्ट करने के लिए पहले हमें पोर्ट ऐड करनी पड़ेगी। तो पोर्ट कैसे ऐड होती है, हम जाएंगे राउटर में, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन को जूम इन कर रहा हूँ। उसके बाद हमने ये राउटर को ऑफ कर दिया, ये ग्रीन लाइट ऑन है, अब मैंने इसको ऑफ कर दिया। उसके बाद WIC-2T की एक पोर्ट है, ये मॉड्यूल है, वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हमने इसको ऑन कर दिया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, हम इसको क्लोज करते हैं, दूसरे राउटर की तरफ जाते हैं और फिर हमने इसको जूम इन किया मैंने और इसको मैंने ऑफ कर दिया। और उसके बाद WIC-2T मैंने ये मॉड्यूल लिया, यहाँ से मैंने ये मॉड्यूल उठा के यहाँ पे फिक्स कर दिया और इसको मैंने ऑन कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब मैंने ना यहाँ से सीरियल केबल लिया है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने सीरियल 0/0 जो है वो हमने इसके साथ अटैच कर दी, सीरियल 0/0। दो राउटर को जब हमने कनेक्ट करना होता है तो स्टूडेंट्स हम लोग सीरियल केबल इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब मैं इसको लेबल करने जा रहा हूँ। तो लेबल करने में मुझे सबसे पहले क्या होगा, मैं यहाँ पर पीसी को लेबल कर रहा हूँ 192.168.0.2 और राउटर को मैं लेबल कर रहा हूँ 192.168.0.1। फिर मैं इस दूसरे पीसी में आ रहा हूँ और 172.168.0.1 और यहाँ सॉरी 0.2 और यहाँ मैं स्टूडेंट्स कर रहा हूँ राउटर के लिए 172.168.0.1। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद मैं यहाँ पर दो आईपी दे रहा हूँ, 10.0.0.1, 10.0.0.1 और 10.0.0.2, 10.0.0.2। तो ये मैंने दो आईपी दिए हैं ताकि मैं स्टैटिक राउटिंग अपनी कंप्लीट कर सकूं। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है, अब हम जाएंगे पीसी में और डेस्कटॉप में आईपी कॉन्फ़िगरेशन में। अब ये मैं स्टैटिक आईपी दे रहा हूँ, तो स्टैटिक आईपी वो आईपी होता है जो हमने खुद जनरेट करना होता है, मतलब मैनुअली देना होता है। तो ये 10.0.192.168.0.2 ये हमारा पीसी का आईपी था। और डिफॉल्ट गेटवे मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में, जो डिफॉल्ट गेटवे होता है वो हमारा राउटर का आईपी कहलाता है। तो ये 192.168.0.1 है, तो ये हमारा डिफॉल्ट गेटवे आ गया स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। अब इसको क्लोज करते हैं, हम जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट में, यहाँ जाके चेक करेंगे आईपी कॉन्फ़िग। तो स्टूडेंट जब हमने आईपी कॉन्फ़िग किया तो यहाँ पे हमारे पास दोनों आईपी एड्रेस आ रहे हैं, हम देखें 192.168.0.2 है और 192.168.0.1 है। इसको स्टूडेंट हम क्लोज करते हैं क्योंकि ये पिंग तो अभी होगा नहीं क्योंकि नेटवर्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद हम जाएंगे स्टूडेंट दूसरे पीसी में, डेस्कटॉप में आईपी कॉन्फ़िगरेशन में 172.168.0.2, ये हमारा पीसी का आईपी आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद 172.168.0.1 ये हमारा आ गया डिफॉल्ट गेटवे यानी राउटर का आईपी। अब हम जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट में और यहाँ जाकर हम कमांड देंगे आईपी कॉन्फ़िग। तो पिंग भी करके चेक कर लेते हैं, वैसे पिंग ये होगा नहीं, 192.172.168.0.1।
तो ये हम पिंग करके देख लें, लेकिन हमारी कनेक्टिविटी अभी नहीं करेगा क्योंकि अभी हमने अपना जो नेटवर्क है वो कंप्लीट नहीं किया। तो इसको फिलहाल चलें क्लोज करते हैं हम। अब मैं आ रहा हूँ स्टूडेंट्स पहले राउटर में, ओके। तो उसके बाद मैं जाऊँगा CLI में। CLI का मतलब आपको पता ही है, CLI का मतलब होता है कमांड प्रॉम्प्ट। तो यहाँ मैंने कर दिया नो। फर्स्ट टाइम जब मैंने राउटर यूज करना है तो मैंने क्या किया, नो। उसके बाद मैंने किया अनेबल और कॉन्फ़िग टर्मिनल होस्ट PTCL, और उसके बाद मैंने कर दिया एंड। अब मेरे राउटर का नाम स्टूडेंट्स PTCL हो गया। मैं कर रहा हूँ शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो मैंने ये कमांड दी शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो स्टूडेंट्स आपके सामने है 0/0 भी डाउन आ रहा है और सीरियल भी जो है हमारा डाउन आ रहा है। तो हमने इन दोनों को अप करना है। तो हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाएंगे और इंटरफेस FA 0/0 में जाएंगे और यहाँ पे हम देंगे IP एड्रेस 192.168.10.0.1 और 255.255.255.0। फिर हम करेंगे नो शट। उसके बाद स्टूडेंट्स हम यहीं से ना सीरियल अपना कर लेंगे, सीरियल हम अप कर लेंगे। तो मैं करूँगा इंटरफेस सीरियल 0/0 और देन मैं दूंगा IP एड्रेस, और IP एड्रेस हमने इसका रखा हुआ था 110.0.0.1 और 255.0.0.0। और उसके बाद स्टूडेंट्स हमने करना है क्लॉक रेट हम देंगे 64,000। अच्छा, हम स्टूडेंट्स बैंडविड्थ भी लिख सकते हैं। बैंड मैं आपको ये नया टेस्ट है बैंडविड्थ भी मैं करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जस्ट 64। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने नो शट लाजमी करना है। अगर हम नो शट नहीं करेंगे तो हमारा लिंक अप नहीं होगा। अब मैं इसको करता हूँ एंड। तो एंड करके हम करते हैं शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो ये स्टूडेंट मैंने शो IP इंटरफेस ब्रीफ किया, आप यहाँ पे देख लें। तो ये 0/0 जो है हमारा 192.168.10.1 जो है वो अप आ रहा है, और ये सीरियल जो है 0/0 हमारा अभी डाउन आ रहा है। डाउन इसलिए आ रहा है कि इसकी दूसरी साइड अभी हमने अप नहीं की। अब हम जाएंगे स्टूडेंट्स दूसरे राउटर में। ये मैं अब दूसरे राउटर में जा रहा हूँ, और उसके बाद हमने इसमें जाना है स्टूडेंट CLI में। CLI का आपको मैंने मीनिंग बता दिया था कमांड प्रॉम्प्ट में। यहाँ हमने किया नो, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आपने राउटर को ऑन करना है तो आपको नो करना पड़ेगा। उसके बाद आप इसकी कन्फिग्रेशन मोड में जाएंगे। तो मैंने किया अनेबल और कन्फिग टर्मिनल होस्ट मैंने कर दिया यूनिवर्स, और उसके बाद मैंने एंड किया और शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये मैंने स्टेटस चेक करना है इंटरफेस ब्रीफ। तो ये स्टूडेंट मैंने शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ किया। आप देखें यहाँ पे 0/0 भी डाउन आ रहा है और सीरियल का 0/0 भी डाउन आ रहा है। तो मैंने अब क्या करना है, कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाना है और इंटरफेस FA 0/0, और मैंने दिया IP एड्रेस 172.172.168.0.1 और 255.255.255.0। फिर मैंने किया नो शट। ठीक है स्टूडेंट, ये मेरा लिंक अप हो गया। मैं यहीं से सीरियल में जा रहा हूँ। मैं करूँगा इंटरफेस इंटरफेस सीरियल 0/0। यहाँ मैं दूंगा IP एड्रेस 10.0.0.2 और 255.0.0.0 और नो शट। अच्छा स्टूडेंट, मुझे यहाँ क्लॉक रेट नहीं देना पड़ेगा। अगर मैं क्लॉक रेट दूंगा तो वो हमारा जो नेटवर्क है वो फर्स्ट राउटर को मैंने क्लॉक रेट दे दिया हुआ है। तो अभी यहाँ पर मैं क्लॉक रेट नहीं दूंगा। यहाँ मैं अब करूँगा एंड और कमांड दूंगा शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये स्टूडेंट्स आप देख लें, पहला राउटर जो था वो भी हमारा अप नहीं हुआ था सीरियल पोर्ट से, लेकिन अब ये अप हो गया है दूसरे राउटर से, क्योंकि मैं उसका नेटवर्क कंप्लीट कर चुका हूँ। फिर स्टूडेंट्स हमने जाना है कॉन्फ़िग टर्मिनल में और IP राउट हमने ये सॉरी मैं पहले अब पहले राउटर में जाऊँगा। ये मैं क्लोज कर रहा हूँ और मैं पहले जा रहा हूँ पहले राउटर में जा रहा हूँ, और फर्स्ट राउटर में मैं जाकर यहाँ पर अब करूँगा कॉन्फ़िग टर्मिनल। कन्फिग टर्मिनल के बाद मैंने दिया IP राउट और 192.1 मैंने यहाँ पर दिया 10.192.168.0.0 और 255.255.255.0 और नेक्स्ट मैंने दिया 10.255.255.0
0.0.1 और इसको मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने यहाँ हम कॉन्फ़िग टर्मिनल में आए, उसके बाद हमने दिया आईपी राउट 172.168.0.0। अच्छा ये हमने ना फर्स्ट राउटर में दूसरा जो राउटर है ना उसका हमने आईपी दिया है, और जीरो हमने इसलिए लिखा है कि कोई भी जो रूट है वो उसमें जो आईपी आए तो वो उसको ओके करते हैं। उसके बाद हमने किया 255.255.255.0 और 10.0.0.2 और हमने इसके बाद एंटर प्रेस कर दिया। तो ये आप स्टूडेंट देख लें, हमारा आईपी राउट हो गया, स्टैटिक राउटिंग हमारी फर्स्ट राउटर से कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर हम एंड करेंगे, बाहर आएंगे और यहाँ कमांड देंगे शो आईपी राउट। तो शो आईपी राउट आप देंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सी का मतलब है कनेक्टेड, तो ये हमारा जो है सी ये कनेक्टेड पूरा हो गया। उसके बाद एस का मतलब है स्टैटिक, तो ये हमारा स्टैटिक जो है वो कंप्लीट हो गया। तो ये हमने कमांड दी शो आईपी राउट। अब हम इसी तरह दूसरे राउटर में जाते हैं, ये हम स्टूडेंट दूसरे राउटर में आ गए और ये सॉरी पीसी में दूसरे राउटर में आ गए। अब दूसरे राउटर को हमने फर्स्ट वाला जो राउटर है ना उसका आईपी हमने देना है, तो यहाँ पर हम करेंगे आईपी राउट और 192.168.0.0 और 255.255.255.0 और 10.0.0.1 और ये हमने एंटर प्रेस किया। हमने किया एंड और कमांड दी शो आईपी राउट। ये हमने शो आईपी राउट की कमांड दी तो ये स्टूडेंट सी का मतलब कनेक्टेड हो गया, ये आप ऊपर देख सकते हैं। शो आईपी राउट की हमने कमांड दी और एस का मतलब हो गया स्टैटिक, तो ये हमारी स्टैटिक राउटिंग अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट हमने यहाँ से पैकेट लिया और हमने अब ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग इसकी चेक करनी है। मैंने यहाँ पे एक पैकेट इधर अटैच किया और सेकंड पैकेट मैंने इधर अटैच किया, तो ये आप देख लें ये हमारा सक्सेसफुल आ गया। तो ये स्टूडेंट्स हमारी स्टैटिक राउटिंग अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर कंप्लीट हो गई है। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने लैब बनानी है और जो मैंने ईमेल आईडी आपको दिया हुआ उस पर आपने मेल करनी है। तो थैंक यू वेरी मच।